उसमें कुछ कुछ ऐसा भी है कि गाइडलाइन के वुमेन हैव टू बी गिवन प्रायोरिटी इन दैट स्कीम वुमेन यस ओके ओके मैं तो कह सकता हूँ हमारे में रिजेक्शन रेट बिल्कुल भी नहीं है और कहीं कोई दिक्कत आई हो तो हम डिस्कस भी करते हैं मुझे लगता है नहीं स्पॉन्सरिंग इज वेरी लेस स्पॉन्सरिंग लेस है राइट कस्टमर सर बिल्कुल अनवेल्ड आता है बेसिकली प्रॉब्लम ही आती है फिर हमें उनको ग्रॉस रूट से लाना पड़ता है दैट टाइम दैट वे सम टाइम दे प्ले की उनको भाई एसबीआई से कोई नहीं है यहां पे स्टेट बैंक से कोई नहीं उनका जो आरसीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है फॉर दिस पर्पस या फिर ईडीआई वाले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे वैसे वैसा कोई सेटअप नहीं है डिस्ट्रिक्ट में आरसीटी का कोई सेटअप नहीं है डिस्ट्रिक्ट में है वो लोग भी तो थोड़ा उनका ही उनका यही काम है कि दे हैव एक्चुअली गिव आउट ट्रेनिंग दिस इज व्हाट मीन ओके ओके बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड वाज कि एक्चुअली वी शुड हैव ड्यूरिंग द कैंप ड्यूरिंग द बी2बी 4 वी शुड हैव एक्चुअली टेकन अप इफ वी हैड लेट्स से वी वांट टू टारगेट यू नो 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 we should have gone for at least twice or thrice number of cases during that jayega yahi banayenge wo data to jab aapko pata hi nahi ki baaki unne kitne cases kiye hain to how will you be able to tabulate this problem we also faced when I was the secretary sir, monthly data lete hain okay to usse bhi data dete hain aur hum ise fir sara kuch jointly hum se okay specifically for this b2b initiative I think for coordination we should have a nodal officer इट इज बेटर कि ईओ को ही कोऑर्डिनेट करने के लिए करें बिकॉज़ स्पेसिफिक हमारा डेटा फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट राइट और दे हैव अचीव्ड एंड दैट विल बी कंप्लीट 15 डेज अब 15 डेज विल कंप्लीट दैट इंक्लूड्स 30 कंपोस्ट पिट फॉर वेट वेस्ट सो अदर देन दैट एमआरएफ फैसिलिटी न्यू एमआरएफ फैसिलिटी इज आल्सो इन विसार सो दैट प्रोसेस इज ऑनगोइंग उसका डीपीआर बन रहा है सर एक और इसको रन कौन करेगा जो आपकी फैसिलिटी है मतलब जी आपको पता है कि जो हमारे माय टाउन प्राइड के कड़ी में हम सभी सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी है कि हम अपने कंसर्न जो हमें अलॉटेड टाउन है वहाँ जाएँ तो आज एसडीएम साहब और ईओ साहब और बाकी जो यहाँ की टीम के साथ हम लोगों ने जायज़ा लिया तो इस विज़िट का बेसिक थ्रस्ट है कि जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं खासतौर पे जो स्पॉन्सरशिप करके एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं चाहे वो पीएमईजीपी की हैं डीआईसी की हैं केवीआईबी की हैं या वुमेन कॉरपोरेशन की हैं एससीएसटी कॉरपोरेशन की हैं या ईडीआई की हैं उन सब में एक पर्टिकुलर नंबर को हम कवर करना चाहते थे क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क गिवन बाय द गवर्नमेंट तो इसलिए आज इसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया ये चेक किया गया कितने केस स्पॉन्सर किए गए हैं और कितनी स्कीमों का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और इसका बेसिक पर्पज़ है कि अर्बन पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए और साथ में जो हमारे बेरोजगार यूथ हैं मैन एंड वुमेन उनको अच्छा एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिले तो आज 3-4 केसेस बड़े अच्छे लगे मुझे जिसमें खासतौर पर टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया गया जिसमें पर रुपी स्पेंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है इसी तरीके से हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारा थ्रस्ट वुमेन की तरफ होना चाहिए बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की तरफ होना चाहिए अर्बन पुअर की तरफ होना चाहिए ताकि उन लोगों को अटेंड किया जा सके इसके अलावा एक जनरल जायज़ा भी लिया कि जो ये माई टाउन माई प्राइड एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज है आपको पता है कि जो प्रभारी अफसर है उसको रेगुलरली हर मंथ अपने टाउन को विज़िट करना है तो जो गवर्नमेंट और जो टाउन के बीच में जो कड़ी है सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुँचानी और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर कहीं कोई मेजर ऑब्स्टेकल है तो उसको स्टडी करना और उसको सोल्यूशन निकालना तो मुझे लगता है कि ये मेरा तीसरा चौथा विज़िट है और कटरा टाउन अपने आप में एक बड़ा सिग्निफिकेंट टाउन है हमारा टूरिस्ट टाउन भी है और लगभग 1.5 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि यहाँ की टीम बहुत अच्छी है और अभी तक जो मैंने देखा कि काफ़ी इफेक्टिव तरीके से स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही है कुछ कमियां भी देखी गई उनको इम्प्रूव किया जाएगा और अगर कहीं फंडिंग में या कोई स्पॉन्सरशिप में कमी है उसको भी सुधारा जाएगा।